जिंदगी कितनी खूबसूरत है और मौत का फसाना लिखना कितना मुश्किल है, उस मंजर को बयान करना असंभव है। जब कोई शख्स अपने हाथों से सुसाइड नोट लिखता होगा, हालातों से यूं ही हार कर जिंदगी गवा देने का क्या मतलब। स्थितियां कैसी भी हों, मौत से कठिन तो नहीं हो सकती। सहारनपुर के कारोबारी दंपत्ति ने कर्ज से परेशान होकर अपनी जान गंवा दी। दंपत्ति की मौत की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। सहारनपुर के कोतवाली क्षेत्र के किशनपुरा मोहल्ले में श्री साई ज्वेलर्स नाम से एक दुकान है। इसके ओनर सौरभ बाबर हैं। सौरभ बब्बर इसके ओनर थे। सौरभ कर्ज को लेकर परेशान थे और इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी मोना बब्बर के साथ जान देने का खतरनाक फैसला कर लिया। सौरभ और मोना हरिद्वार में हर की पेड़ी पहुंचे, जहां नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। स्थानीय पुलिस ने सौरभ का शव बरामद किया और मोना की तलाश जारी है। सौरभ और मोना दो बच्चों के माता पिता हैं। उनका एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि हम कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंसे हैं और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हम अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। सौरभ ने लिखा, मैं अपनी दुकान और मकान दोनों बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं, उनकी परवरिश नाना नानी करेंगे, क्योंकि ऐसे मुश्किल हालात में बच्चों के नाना नानी के सिवाय किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। घर से जाने के बाद सौरभ ने अपनी दुकान पर काम करने वाले गोलू को एक ऑडियो संदेश भेजकर कहा कि हम लोग हरिद्वार में हैं और अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी नई बाइक से हरिद्वार पहुंचे थे, जहां जिंदगी से हार कर मौत को गले लगा लिया। इससे पहले सौरभ ने अपने एक रिश्तेदार को भी मैसेज किया था, जिसमें लिखा था कि मैं कर्ज के दलदल में फंसा हूँ और बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मरने से पहले की फोटो हम शेयर कर देंगे। रानीपुर थाने के प्रभारी विजय सिंह के मुताबिक सौरभ सहारनपुर में साई ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को ही मोटरसाइकिल से हरिद्वार पहुंचे थे। जमालपुर खुर्द गांव के पास गंगा नहर के किनारे दलदल में एक व्यक्ति का शव अटका होने की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया। मृतक के पैंट की जेब से मिले मोबाइल फोन और पर्स के आधार पर शव की शिनाख्त हुई है। थाना प्रभारी के मुताबिक महिला का शव अभी नहीं मिला है, उसकी तलाश जारी है। सौरभ और उनकी पत्नी की मौत की घटना ने एक बार फिर इंसान को झकझोर कर रख दिया और कर्ज मानसिक तनाव पर बह छिड़ गई। दंपत्ति पर करोड़ों का कर्ज बताया जा रहा है।